दोस्तों, इन्फोसिस इस समय भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जिसकी वर्तमान संपत्ति लगभग 82,000 करोड़ रुपए है। ये कंपनी आज विश्व के 50 से भी ज्यादा देशों में मौजूद है। इन्फोसिस को इस स्तर तक पहुंचाने में वैसे तो कई लोग शामिल हैं, मगर इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति को, जो इसकी शुरुआत से लेकर लगभग 21 साल तक इन्फोसिस के CEO भी रहे। तो आइए इनके बारे में शुरू से जानते हैं। नारायण मूर्ति का पूरा नाम नागवरा रामाराव नारायण मूर्ति है, जिनका जन्म 20 अगस्त 1946 को मैसूर में हुआ था। उनके पिता स्कूल टीचर थे। नारायण मूर्ति शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज थे और इंजीनियर बनना चाहते थे। वो ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए IIT के एंट्रेंस टेस्ट में बैठे और सफल भी रहे, मगर उनके परिवार की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उन्हें इतनी फीस देकर पढ़ा सके, जिसके कारण उन्होंने मैसूर के ही एक कॉलेज से BE की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने IIT कानपुर से MTech किया। MTech के बाद उन्हें कई कंपनी से अच्छी जॉब ऑफर आई, लेकिन उन्होंने वो ऑफर नहीं लिए और अपने करियर की शुरुआत IIM अहमदाबाद से की, जहां वो चीफ सिस्टम्स प्रोग्रामर थे। फिर उन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स नामक एक कंपनी खोली, जो कुछ समय में नुकसान में आ गई और बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने पुणे में पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स ज्वाइन किया। पुणे में ही 1981 में 6 अन्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ मिलकर उन्होंने इन्फोसिस की नींव रखी। उस समय उनके पास पैसों की काफ़ी कमी थी, मगर उनकी पत्नी ने अपने पास से 10,000 रुपये उन्हें कंपनी के लिए दिए थे। नारायण मूर्ति का मन बिजनेस में लगा रहे, इसलिए उनकी पत्नी ने उनका शुरू से ही बहुत साथ दिया। वो बिजनेस करते थे और उनकी पत्नी सिस्टम एनालिस्ट की नौकरी करती थी और घर संभालती थी। इन्फोसिस को अपना पहला कस्टमर 1983 में मिला। गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी कंपनी को काफ़ी परेशानी हुई और पहला कंप्यूटर इंपोर्ट कराने की परमिशन में साल भर से ज़्यादा का समय लग गया। शुरू में तो कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कतें आईं, मगर नारायण मूर्ति और इन्फोसिस के अन्य कोफाउंडर्स ने मिलकर अपनी मेहनत से अपने सपनों को साकार किया। भारत ने जब अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया और लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण का दौर चला, तो उसके बाद इन्फोसिस ने कभी मुड़कर नहीं देखा। नारायण मूर्ति ने 21 साल तक इन्फोसिस का नेतृत्व किया। 1999 में कंपनी ने $100 मिलियन का रिवेन्यू बनाया, जो 3 साल में 5 गुना बढ़कर $500 मिलियन पहुंच गया। 2004 में इन्फोसिस का रिवेन्यू पहली बार $1 बिलियन पहुंचा और 2016 में $9.5 बिलियन यानी लगभग 62,000 करोड़ रुपये रहा। 2002 में बिजनेस वर्ल्ड सर्वे ने इन्फोसिस को इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी यानी भारत की सबसे इज्जतदार कंपनी की उपाधि दी। 1981 में सिर्फ 7 लोगों से शुरू हुई इस कंपनी में आज लगभग 2 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं। दोस्तों, नारायण मूर्ति के मन में शुरू से ही समाज के लिए कुछ करने की बहुत इच्छा थी। इन्फोसिस फाउंडेशंस, जो 1996 में अस्तित्व में आई थी, उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत काम किया, जिसमें मुख्य रूप से उनकी पत्नी सक्रिय हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन ने कई अस्पतालों में वार्ड बनवाए, गरीबों के लिए धर्मशाले बनवाए और अच्छे इलाज के लिए अस्पतालों को उपकरण भी दिलवाए। शिक्षा के क्षेत्र में ये फाउंडेशन स्टूडेंट्स को टेक्निकल ट्रेनिंग दिलाने और गरीब बच्चों को स्कूल में लंच देने जैसे काम करती है। ग्रामीण विकास के लिए रोड और नाले बनवाने, बिजली उपलब्ध करवाने जैसे काम यह फाउंडेशन करती है। नारायण मूर्ति ने अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड यानी बेहतर भारत बेहतर दुनिया नामक एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने भारत की वर्तमान दिक्कतों के बारे में बात की है और ये भी बताया है कि कैसे हम उन दिक्कतों को दूर करके एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। जीवन में उनकी सफलताओं के लिए नारायण मूर्ति को सन 2000 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज इन्फोसिस पूरे विश्व में IT सेक्टर में एक बड़ा नाम है, जो भारत के विकास में भी मददगार है। वो कहते हैं ना कि कोई भी सपना यूं ही हकीकत नहीं होता,
उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और विश्वास की ज़रूरत होती है। इन्फोसिस भी एक ऐसे ही सपने का नाम है जो कभी नारायण मूर्ति ने देखा था और जिसे उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी मेहनत और लगन से सफल कर दिखाया। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे विकास में सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच है। अगर इस बात को समझ लिया जाए तो सफलता निश्चित है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाते रहेंगे, जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी दर्पण को बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आपके छोटे से प्रयास से हमें प्रोत्साहन मिलता है।